हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? रानी की रसोई में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे एकदम सॉफ्ट और दाल के पराठे कैसे बनाएं, और ये बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी दाल के पराठे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दाल के पराठे बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया एक बाउल, और बाउल में डाल देंगे 1 कटोरी आटा। इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही में अब इसमें डाल देंगे बारीक कटी हरी मिर्च। अब इसमें डाल देंगे सबसे पहले स्वादानुसार नमक। अब इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, जितना तीखा आप खा सकते हैं उतना डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही में अब इसमें डाल देंगे जो हमने रात की दाल को बचाया था। तो इसमें दाल एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ताकि जो आटा का डो है वो गीला ना हो। तो देखिए, इसी तरह से दाल डालेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा गूंथते रहेंगे। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, अगर आप दाल के पराठे बना रहे हैं तो दाल ही डालेंगे और उसी हिसाब से आटा ले लेंगे। तो इस तरह से अब हम आटा का डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए, आटा का डो बनके एकदम रेडी हो चुका है। तो ये ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा ढीला है, तो ये एकदम सॉफ्ट गुथा है आटा। तो इसी तरह से बस दाल के पराठे का आटा गूथना होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने करीब इतनी बड़ी लोई ले ली है पराठे बनाने के लिए, और यहाँ पे अब हम लोई को थोड़ा बेल लेंगे। पहले इस तरह से थोड़ा बेलेंगे, फिर इसमें तेल लगा देंगे, और फिर इसको मोड़ के इस तरह से फिर से इसकी लोई बना लेंगे। अब इसको फिर से पराठे के साइड में बेल लेंगे। तो देखिए, पराठा भिल चुका है। पराठे को तवे पे डाल देंगे। हमने यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई कर रखा है, तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इस पे ऑयल को लगा देंगे। और इसको थोड़ी थोड़ी देर में पलट पलट के पका लेना है, और इसके चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगा लेना है। आप चाहें तो इसमें घी भी लगा सकते हैं। तो देखिए, पराठे में कितना अच्छा कलर आने लगा है। बस इसी तरह से इसको दबा दबा के पका लेंगे अच्छे से, ताकि ये कच्चा ना रहे। देखिए, पराठा बन के एकदम रेडी हो चुका है। तो अब हम पराठे को उतार लेंगे प्लेट में। तो इसी तरह से अब सारे पराठों को बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल के पराठा की रेसिपी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। तो आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो ये देखिए, कितने सॉफ्ट दाल के पराठे और अंदर से एकदम परफेक्ट दाल के पराठे बने। तो ये एकदम हेल्दी और टेस्टी भी होते हैं, और ये रात के हमने जो बची हुई दाल थी उसी से बनाए हैं। तो आप चाहें तो इसे दाल बना के और फिर इसे बना सकते हैं, या तो आपकी दाल बच गई हो तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो इसे दही के साथ भी खा सकते हैं, या तो आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं, आप चाहें तो इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो ये हेल्दी और टेस्टी दोनों होते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये बहुत पसंद आते हैं। बच्चों या बड़े, ये सबको पसंद आएंगे। आप चाहें तो इन्हें बच्चों के लंच में भी पैक कर सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, पराठे की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।